हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर 8, एंड्रोक्लीज एंड द लोयन। दिस इज़ अ स्टोरी। ये एक स्टोरी है, किसकी है? एंड्रोक्लीज की और एक लोयन की। चलो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग अगो देयर वॉज ए ग्रेट एम्पायर कोल्ड रोमन एम्पायर इन रोम। बहुत समय पहले रोम में एक रोमन साम्राज्य था जो कि बहुत बड़ा था। द रोमन्स हैड बिग बिल्डिंग्स। और रोम के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, बहुत सारी वेल्थ थी, संपत्ति थी, एंड हंड्रेड्स ऑफ स्लेव्स, और सैकड़ों की संख्या में स्लेव्स थे, यानी कि दास थे। बट देयर बिहेवियर, लेकिन उनके साथ जो व्यवहार था वो बहुत ही क्रूरता से किया जाता था, निर्दयता से किया जाता था। दे ओफन बीट देम मर्सीलेसली। वे अक्सर उनको मारा करते थे, मर्सीलेसली पूरी तरीके से व्यवहार किया जाता था। एंड देम टू ऑल काइंड ऑफ हार्ड वर्क। और जो सभी तरह का जो कठिन वर्क होता है वो भी कराया जाता था। किससे कराया जाता था स्टूडेंट्स? स्लेव से। एंडोक्लीज वाज आल्सो ए रोमन स्लेव। एंडोक्लाइज भी एक रोम का ही एक दास था, स्लेव था। हिज मास्टर आल्सो वाज वेरी क्रूल। उसका जो मास्टर था, मालिक था, वो बहुत ही निर्दयी था। ही गेव हिम वेरी लिटिल फूड। खाने को बहुत कम दिया करता था। एंड ए फ्यू ब्रेक्स और टू कवर हिज बॉडी विद देम। और ढकने के लिए कुछ फटे हुए कपड़े देता था। एंडोक्लीज वर्कड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। जो एंडोक्लीज था वो सुबह से लेके शाम तक काम करता रहता था। येट हिज मास्टर वाज नो सैटिस्फाइड। लेकिन जो उसका मालिक था वो उससे संतुष्ट नहीं था उसके काम से। द स्लेव आल्सो वाज नॉट हैप्पी। जो दास था वो भी बहुत खुश नहीं था। ही कुड नॉट बियर इट एनी लॉन्गर। लेकिन वो जो परेशान करता था वो उसको बहुत अधिक लंबे समय तक सहन नहीं कर सका। एंड वन नाइट ही लेफ्ट द हाउस एंड रेन अवे। और एक रात उसने क्या किया, अपने घर को छोड़ा और दूर भाग गया। एंडोक्लीज रेन वन होल नाइट एंड वन डे। जो एंडोक्लीज था वो एक रात एक दिन बाहर रहा, बाहर दौड़ा। नेक्स्ट नाइट अगली सुबह ही रीच्ड ए केव इन द फॉरेस्ट। जंगल में एक गुफा में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया स्टूडेंट? जंगल में पहुंच गया। ही एंटर द केव एंड डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट देयर। ही एंटर द केव, वह गुफा में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? गुफा में पहुंच गया। और उसने जो रात थी वहीं बिताने का निश्चय किया। ही लेट डाउन एंड फेल अस्लिप। वह लेट गया और उसे क्या हुआ, नींद आ गई। ही वॉज सो टायर्ड, वह इतना थका हुआ था कि दैट ही कुड नॉट सी दैट ए लॉयन वॉज लाइंग इन द केव। उसने यह भी नहीं देख सका कि एक शेर घुस गुफा के अंदर लेटा हुआ है, वो यह भी नहीं देख सका। सडनली एंडोक्लीज वॉक अप। अचानक ही एंडोक्लीज की जो नींद थी वो खुल गई, वह जग गया। ही हर्ड द ग्रॉन्स ऑफ एन एनिमल। उसने क्या सुना कि एक एनिमल्स के कराहने की आवाज को सुना। ही सा ए लॉयन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। उसने देखा कि एक जो शेर है उसके सामने खड़ा हुआ है। एंडोक्लीज वॉज टेरिफाइड। जो एंडोक्लीज था बहुत ही डर गया, भयभीत हो गया। द लॉयन वॉज ग्रोनिंग विद पेन। जो लॉयन था, शेर था, वो दर्द से कराह रहा था। वन ऑफ हिज पा वॉज ब्लीडिंग। उसने देखा कि उसके पंजे से एक क्या निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, खून निकल रहा है। एंडोक्लीज वेंट नियर द लॉयन। एंडोक्लीज शेर के पास गया। ही सा ए बिग थॉर्न इन हिज पा। और उसने देखा कि एक बड़ा सा थॉर्न काटा उसके पैर की जो पंजा था, पा था, पंजा उसमें लगा हुआ है। एंडोक्लीज पुट द पा इन हिज लेप। तो एंडोक्लीज ने क्या किया, उसका जो पंजा था उसको अपनी लेप में रख लिया। लेप माने गोद, गोद में रख लिया। एंड जेंटली पुल द थॉर्न आउट। और धीरे से उस कांटे को बाहर निकाल दिया। एट वंस द लॉयन वॉज रिलीव्ड ऑफ हिज सेवरली पेन। और जो उसका कांटे के निकलते के साथ जो शेर था उसके दर्द के अंदर आराम मिल गया। ही बिगेन टू लिक एंडोक्लीज विद लव। और जो शेर था वो भी बहुत प्यार के साथ एंडोक्लीज को चाटना शुरू कर दिया। एंडोक्लीज को फोर ए ईयर और टू एंडोक्लीज एंड द लॉयन बोथ लिव टुगेदर इन द केव लाइक फ्रेंड्स। एक वर्ष और दो वर्ष जो एंडोक्लीज और जो शेर थे दोनों साथ साथ रहने लगे और एक फ्रेंड की तरह गुफा के अंदर
साथ साथ रहने लगे. इन द डे दे हंट एंड एट नाइट दे स्लैप. दिन में तो क्या करते, शिकार पे चले जाते और रात्रि को आते तो सो जाते. देन एंडोक्राइस फेल्ट लॉनली. जो एंडोक्लिस था अब वो क्या करने महसूस करने लगा, अकेलापन महसूस करने लगा. लॉनली अकेलापन. ही फेल्ट ही कुड नॉट स्टे इन द वुड्स एनी लॉन्गर. वह महसूस करने लगा कि अब वह और अधिक समय इन जंगलों में नहीं रुक सकेगा. ही वॉन्टेड टू सी मैन वुमैन एंड चिल्ड्रन. वह चाहता था कि वह औरतों को आदमियों को और बच्चों को देखे. ही वॉन्टेड टू लिव इन द टाउन अगेन. और वह कस्बे में फिर से जाना चाहता था. सो ही लेफ्ट द डैन वन डे. और इसलिए उसने उस डैन को अचानक ही छोड़ दिया. ऑन द वे टू द टाउन सम सोल्जर्स रिकॉग्नाइज एंडोक्लिस. और रास्ते में उसे क्या मिला, कुछ सैनिक जो कस्बे में रहता था उस कस्बे के कुछ सैनिकों ने उसे पहचान लिया. ही वॉज कॉट एंड सेंट टू हिज मास्टर. उसने उसको पकड़ लिया और अपने मालिक के पास ले गया. ही वॉज ए रन अवे स्लेव. वह एक भगोड़ा दास था. ही इन दोज डेज रन अवे स्लेव्स वर पनिश्ड सेवरली. और जो सैनिक जो दास भाग जाया करते थे उनको बुरी तरीके से पनिश भी किया जाता था. हिज मास्टर टुक हिम बिफोर द किंग. उसका जो मालिक था उसको राजा के पास ले गया. द किंग ऑर्डर टू थ्रो एंडोक्लिस इन एन एरिना टू फाइट विद ए हंग्री लॉयर. राजा ने आदेश दिया कि एंडोक्लिस को एक खुले पैलेस में, एरिना यानी कि अखाड़ा खुला पैलेस, उसमें उसको ले जाया जाए और एक भूखे शेर के सामने लड़ने के लिए डाल दिया जाए. द एरिना वॉज एन ओपन ग्राउंड राउंड विच सेट द किंग. जो एरिना था वो एक खुला ग्राउंड था जो कि जहां पर चारों ओर एक तो राजा बैठा हुआ था और रोम के जो शासक रोम के जो लोग थे वो देखने के लिए बैठे हुए थे. टू वॉच द डेथ ऑफ द रन अवे स्लेव. जो वो दास है वो किस तरह से अपनी मृत्यु के साथ लड़ता है. एंडोक्लिस स्टूड इन द सेंटर ऑफ द एरिना. जो एंडोक्लिस है उसको एरिना के सेंटर में यानी कि मध्य में खड़ा कर दिया गया. ए हंग्री लॉयन वॉज सेट फ्री फ्रॉम इट्स केज. और एक भूखा हुआ शेर पिंजरे से बाहर निकलने के लिए छोड़ दिया गया. द लॉयन रोर लाउडली. जो शेर था वो जोर से गुर्राया चिल्लाया एंड जंप्ड आउट ऑफ द केज. और पिंजरे से जोर से कूदा बाहर की तरफ, जोर से कूदा. एंड्रोक्लिस शट हिज आईज विद फियर. जो एंड्रोक्लिस था वो डर गया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली. एज द लॉयन रीच एंड्रोक्लिस. और जो लॉयन था वो एंड्रोक्लिस के पास पहुंचा. ही डिड नॉट किल हिम. उसने उसको मारा नहीं. ही सेट डाउन. वह नीचे बैठ गया. एंड बिगेन टू लिक हिज फूट. और उसके पैरों को चाटने लगा. एंडोक्लिस ओपन हिज आईज. एंडोक्लिस ने अपनी आंखों को खोला एंड सॉ हिज फ्रेंड इन द एरिना. और उसने देखा कि वह कौन था, एरिना का, एरिना में उसका एक फ्रेंड था. ही पुट हिज हैंड्स राउंड द लॉयन मेन. और उसने अपना हाथ जो शेर की जो गर्दन थी उसके पीछे, जो बाल उगे हुए थे उसके पीछे घुमाने लगा. एंड वेप फॉर जॉय. और खुशी के साथ रोने लग गया. एट दिस साइड द किंग. जब राजा ने देखा और रोमन जो पब्लिक थी, रोम की जो लोग थे, उन्होंने देखा कि वर्ड सरप्राइज, बहुत आश्चर्यचकित हुआ उन्हें. द किंग सेंट फॉर द स्लेव आस्क्ड हिम अबाउट इट एंड हर्ड हिज स्टोरी. और राजा ने उस स्लेव को, दास को अपने पास बुलाया और उसे सारी स्टोरी को सुना. द किंग वॉज इम्प्रेस्ड. जो राजा था वो बहुत ही प्रभावित हुआ एंडोक्लिस से. ही सेट हिम फ्री. उसने उसको स्वतंत्र कर दिया. एंड गेव हिम सम मनी. और कुछ पैसे भी दिए टू गिव टू लाइव लिव ए लाइफ फ्रीडम. और स्वतंत्र रहने के लिए कुछ पैसे दिए. द लॉयन फॉलो एंडोक्लिस लाइक ए डॉग. और जो शेर था वो एंडोक्लिस के पीछे कैसे चल रहा था, जैसे कि एक कुत्ता हो, एक डॉग हो. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.